धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति हिंदुओं के खिलाफ पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को ये मजबूर कर दिया गया था सोचने के लिए, हिंदू तुम्हारे औकात क्या है, तुम तो सेकंड क्लास सिटीजन हो। मनमोहन सिंह वही कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लोज करेक्शन करेंगे, नॉट लाइक दिस। ये जो स्कूल में हुआ है वो ठीक नहीं है, ये कोर्स करेक्शन नहीं है, ये तो रॉन्ग है। जहां पे कोई इस तरह से बिल्कुल ही पलट जाएगा तो हाथ खड़े कर दीजिए, हम तो जानते ही नहीं जी। देखिए एक कर दिया, वन ऑफ द काइंड केसेस, ये वाला करने को तो नहीं कहा था हमने, इतना वाला करने को कहा नहीं, नहीं इतना वाला है हमारा, सरकारी आदेश के तहत। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये किसी सरकारी आदेश आया ऐसा कोई क्या? नहीं सरकारी आदेश नहीं है, फिर भी सरकारी स्कूल में है, नहीं पूछे आपसे, सरकारी स्कूल में जनगण मन, उसी स्कूल में जनगण मन गाना बंद हुआ था। एक सेकंड, वो मैं कह रहा हूँ, सरकार फसल दिखा रहे हैं कि सरकारी ऑर्डर है क्या, सरकारी व्यक्ति है कैसे कर रहा है? स्कूल में भी हुआ है तो वो व्यक्ति ही जिम्मेदार है, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे आप, पूरे सरकार को इंतजार करेंगे तो गलत है उसमें। कहां है आपका सुपरविजन? और जनगण मन गाने पर क्या होता है? जनगण मन गाने और वंदे मातरम पे क्या होता है? तब हिंदू मुसलमान नहीं होता? वही तो ऐसा है कि आज देखिए एक टीचर ने ऐसा किया, मुसलमान नहीं होता ना संबित जी, तब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वंदे मातरम क्या नाम, सरकारी ऑर्डर से नहीं हुआ, गाना सांप्रदायिक है, सरकारी ऑर्डर से नहीं हुआ, ये क्या हुआ? मतलब स्कूलों में प्रार्थना गाना सांप्रदायिक।